अस्सलाम वालेकुम, मैं सिकंदर अकरम मोरी स्टूडियो में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी जिस तेज़ी से लोगों की जो तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो चुकी है और एक ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, उसके बारे में तफसीलन बात नहीं करेंगे। क्रिप्टो करेंसी में हम मुख्तलिफ तरह से हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप में से चंद दोस्त जो इस वक्त इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग है। लेकिन इसमें आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आप फ्यूचर और स्पॉट के अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, बाइनांस है, ओकेक्स है, कोकॉइन है, इसमें आप सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें स्पॉट भी है, फ्यूचर भी है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, जैसा कि पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है। लॉन्च पैड एक ऐसा प्लेटफार्म है, जो भी न्यू करेंसी लॉन्च होती है वो सबसे पहले लॉन्च पैड पर उसकी लॉन्चिंग की जाती है। तो लॉन्च पैड पर इसका आपको बेनिफिट एक तो ये है कि आपको वो बहुत कम रेट पर अवेलेबल होती है, जो जैसा कि आपको वो ज़्यादातर सेंट्स में ही आपको मिलते हैं जो करेंसीज लॉन्च होती हैं। तो जब वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लॉन्च की जाती हैं, बाइनांस ओकेक्स पर, तो उनके रेट काफ़ी ऊपर चले जाते हैं और आपने अगर लॉन्च पैड पर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप 5 times, 10 times, इवन के 100 times भी अर्न कर लेते हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा 1000 times भी वो ऊपर चली जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं आपको बता दूं, जो आप स्पॉट ट्रेड करते हैं, आप एक रेट पर करेंसी बाई करते हैं तो जैसे भी उसमें राइज मिलता है आपको, आप उसको सेल कर देते हैं। जो डिफरेंस होता है वो आपकी अर्निंग, आप उसको अर्न कर लेते हैं। तो आप फ़र्ज़ करें आपके पास $1000 हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उसको स्पॉट ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे जो काइन का आपको राइज मिलता है, आप सेल करते हैं, वो आप बेनिफिट उससे प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इस तरह जो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड में अगर ये आप $1000 आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्च पैड पर, तो आपको 3 benefits उसमें मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो आपको इसमें ये होगा कि जो काइन आप बाई करेंगे, लो रेट पर आप आज बाई कर रहे हैं, तो जब उसका रेट हाई होगा आप उसको सेल करेंगे, सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा। आपको मिलता है आप किसी भी लॉन्च पैड पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हर लॉन्च पैड का अपना एक काइन होता है, जैसा कि आप ट्रस्ट पैड है वो उसका टी पैड है, इसी तरह मुख्तलिफ लॉन्च पैड के हर लॉन्च पैड का अपना एक काइन होता है। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप बेसिकली सबसे पहले उनका एक काइन बाई करते हैं। तो ये चीज़ जो बेनिफिट है, आप सेल परचेज करते हैं, आप कॉइन लेते हैं, यही सेम चीज़ आप स्पॉट में भी करते हैं, आप कॉइन बाई करते हैं, सेल करते हैं, उसे प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये तो पहला बेनिफिट हो गया। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो इसमें है वो ये है कि आप जो लॉन्च पैड पर करेंसी ले रहे हैं आप उसकी स्टेकिंग कर सकते हैं। आप उसमें डिफरेंट आपको 7 दिन की होती है, फॉर 1 month है, 3 month है, डिफरेंट उसके रेट्स होते हैं। फर्ज करें आप 3 months के लिए स्टेकिंग करते हैं तो आपको उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशो है जो उसकी, वो आपको वो भी इसके अलावा वो आपको मिलेगी। इसका तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा लॉन्च पैड पर इन्वेस्टमेंट से, उस लॉन्च पैड पर जितने भी कॉइन न्यू कॉइन जारी होंगे वो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो भी नया कॉइन लॉन्च होगा उस लॉन्च पैड पर वो आपको बाई करने देंगे। वो जो न्यू कॉइन जब जारी होता है तो उसको एक तो उसका रेट बहुत कम होता है, उसके अलावा जितने भी लॉन्च पैड पर कॉइन जारी होंगे वो आपको मिलते रहेंगे साथ साथ। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है लॉन्च पैड, जिसमें आपको आप उसे ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी गेन कर रहे हैं, आप उसे स्टेकिंग का प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं
और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जो न्यू कॉइन जारी होंगे वो आपको लोएस्ट रेट पर मिलेंगे, और जब वो लॉन्च पैड जब वो एक्सचेंजेस पर लॉन्च होंगे तो उनके रेट में बहुत काफ़ी डिफरेंस उसमें होता है।